Hello everyone, welcome to T2 Learning Channel and T2 Learning App. कैसे हैं आप सब? Great. मैं हूं अंशु. तो friends, हम हमारे पिछले कुछ videos में जान चुके हैं कि human body बनी होती है different body organs से. जैसे कि हम देखने के लिए हमारी आईज का यूज़ लेते हैं, कुछ काम करना होता है, कुछ एक्टिविटी के लिए हमारे हैंड्स काम में आते हैं, सुनने के लिए ईयर्स होते हैं. तो उन सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में हम हमारे पिछले वीडियोस में जान चुके हैं. अगर आपको फिर से जानना है तो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं. तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर, हैंड्स, लेग्स, ये सब है एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन. यानी कि इनको आप देख सकते हो. जब भी आप किसी ह्यूमन को देखोगे, यू कैन सी ऑल दीज बॉडी पार्ट्स. बट हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, बट उनका बहुत ही मेजर वर्क होता है, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम वो हमारी बॉडी में प्ले करते हैं. तो ऐसे ऑर्गन्स को जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, बट वो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे शरीर के अंदर हैं, वो कहलाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. तो सबसे पहले हम सोचें, तो सोचते कहाँ से हैं? जी हाँ, ब्रेन से. ब्रेन होता है हमारे हेड के अंदर, यानी कि वो एक हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट है. और ब्रेन से हम क्या करते हैं? जी हाँ, हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग जो होती है वो कंट्रोल होती है ब्रेन से ही. यानी कि ब्रेन ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है. तो ये सारी वर्किंग होती है ब्रेन से. ओके, अब आप महसूस कीजिए, फील कीजिए कि आपके चेस्ट में, लेफ्ट पार्ट में कुछ आपको थक थक सुनाई दे रही है, कुछ बीट सुनाई दे रही है. यस, दैट इज हार्ट. वो होता है हार्ट, यानी कि दिल. वहाँ से हमारी बॉडी के लिए ब्लड की पंपिंग होती है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में सभी पार्ट में ब्लड को भेजने का काम कौन करता है? हार्ट करता है. और जब हम फास्ट एक्टिविटी करते हैं, रन करते हैं, तो उस टाइम पे आपने महसूस किया होगा, फील किया होगा कि हमारी हार्ट रेट, यानी कि हार्ट की बीट बहुत फास्ट हो जाती है. बिकॉज उस टाइम पे हमारे हार्ट को हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई को बढ़ाना होता है. ओके, हम ब्रीथ कहाँ से करते हैं? जी हाँ, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन में आपने देखा कि हम नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बट वो ब्रीथ होकर के जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाती है? जी हाँ, हमारे टू लंग्स होते हैं, यानी कि दो फेफड़े होते हैं. और जो नोज़ से एयर जाती है वो जाती है हमारे फेफड़ों में, और उससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. ओके, आप बताइए कि जो हम हमारे माउथ से खाना खाते हैं, टीथ के थ्रू उसको च्यू करते हैं, तो वो खाना कहाँ जाता है? जी हाँ, वो खाना जाता है हमारे स्टमक में, यानी कि पेट में. स्टमक हमारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन है जो कि एक पाउच की तरह होता है, और उसमें जो भी हमने खाना खाया है उसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसका डाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे पूरा होता है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी आती है. तो आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से इंटरनल, मेजर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जाना. सबसे पहले है ब्रेन, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऑर्डर देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है. सेकंड नंबर इज हार्ट, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है. देन थर्ड वन
इज लंग्स. हमारी बॉडी में होते हैं टू लंग्स और वो ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन होता है. इसके अलावा हमने देखा स्टमक. स्टमक हमारे पूरे फूड का जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उस खाने को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी काम कर पाती है और हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाते हैं. तो ये सारे ऑर्गन्स को हमने जाना समझा. तो अब आप जानते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के बारे में और इंटरनल बॉडी पार्ट के बारे में. इन इंटरनल बॉडी पार्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरनल बॉडी पार्ट होते हैं जिनके बारे में हम जल्द ही आपको बताएंगे. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और ज़्यादा चाहिए तो हमारी T2 लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर और उसका लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.